हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड यहाँ पर हम ट्रांसलेशन के संबंध में संस्कृत अनुवाद की दूसरी वीडियो लेकर आए। उसमें हमने जो सीखा था लट लकार सीखा था, या लट लकार सीखेंगे, माँ है हूँ हो, प्रेजेंट का सीखा था या भविष्य काल का है, उसी संबंधित है इन शब्दों में, इन क्रियाओं के शब्दों में हम यहाँ स्य और जोड़ देंगे। लिखस्य, पठस्य, खादस्य, गमिष्य, अगमिष्य, पिबस्य, पचस्य, हसस्य, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी ये गागी वाले वो हो जाएंगे। तो हम इसको लिख में बनाते हैं इसके, चलो पिछली वीडियो हमने पढ़ के बनाए थे, यहाँ लिखस्यति और लिखस्यता और लिखस्यन्ति। लिखस्यसि, लिखस्यथा, लिखस्यत, लिखस्यामि, लिखस्यावा, और लिखस्याम। तो इस तरह से हम जो है इससे भी संबंधित कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह पत्र लिखेगा, इसका बनाएंगे सा पत्रम लिखस्यति। हम दोनों स्कूल जाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम दोनों के लिए। यहां से अब हम विद्यालय गमिष्य, गमिष्या, जो करता होता है वही क्रिया लगाई जाती है। हम दोनों हैं तो हम दोनों कहाँ आ रहा है, द्विवचन के तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति का ये द्विवचन का लगाएंगे। गमिष्या जो भी है इनके अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेसब इसी में लिख देता हूँ, लिखिए बेसब खाना पकाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, खाना पकाती है या पकाते में थोड़ा यहाँ सामे अंतर आ जाता है। बस जब वह घर जाता है तो सा विसर्गो वाला, और वह घर जाती है तो सा पे डंडा लग जाता है, सा वो हो जाता है। जैसे मेल की मेल के लिए इंग्लिश में ही और सी लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ इसका यूज किया। वे सब खाना पकाते हैं तो ते भोजनम पचिष्यन्ति, सब है इसलिए पचिष्यन्ति, यानी कि बहुवचन प्रथमा विभक्ति का वे सब के अनुसार यह लगते हैं। तो इस तरह से हम संस्कृत के अनुवाद भविष्य काल के अकॉर्डिंग, यानी कि लट लकार के जो रूप है उनके अनुसार ये हम सेंटेंस बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम भूतकाल के लंग लकार के जो है रूप के साथ और सेंटेंसों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।